सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। सपा टीएमसी ने भी इसे गलत ठहराया है। जस्टिस अब्दुल नजीर 1 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि उनकी नियुक्ति पर बवाल क्यों है और नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि विरोध की वजह क्या है। दरअसल रिटायर्ड जज अब्दुल नजीर अयोध्या मामले में फैसला सुनाने और राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाली बेंच में अकेले अल्पसंख्यक न्यायाधीश थे। कई और ऐतिहासिक संविधान पीठ के फैसलों का वो हिस्सा थे जिसमें ट्रिपल तलाक, निजता का अधिकार भी शामिल है। हाल ही में नोटबंदी पर केंद्र के 2016 के फैसले और सांसदों की अभिव्यक्ति की आज़ादी भी इसमें शामिल है। आइए अब ढूंढते हैं अगले सवाल का जवाब। कौन बन सकता है राज्यपाल और नियम क्या कहते हैं? संविधान में किसी भी जज को राज्यपाल या दूसरे सरकारी पद को संभालने से रोका नहीं गया है। संविधान में स्पष्ट तौर पर ये बताया गया है कि कौन राज्यपाल बन सकता है और उसके पास शक्तियाँ क्या हैं। संविधान के मुताबिक जो भारत का नागरिक है, जिसकी उम्र 35 साल या उससे ज्यादा है, जो संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, जो किसी भी लाभ वाले पद पर ना रहा हो और कुछ वक्त से राजनीति में सक्रिय ना हो, उसे राज्यपाल यानी गवर्नर बनाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, रिटायर्ड जज अब्दुल नजीर ये सारी शर्तें पूरी करते हैं। इतिहास को टटोले तो इससे पहले भी 2 मौके आए जब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फातिमा बीवी को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस पी सथाशिवम केरल के राज्यपाल बने और अब रिटायर्ड जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।